दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यात्रा प्लस रामलाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस समय मैं सफ़र कर रहा हूं मुंबई के पश्चिम उपनगरीय लोकल ट्रेन में और लोकल है हमारी दहनो लोकल। और दोस्तों हमारी ये जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है विरार स्टेशन, शीघ्र ही पहुँच जाएगी और आपको दिखाते हैं कि इस समय सुबह का समय है और आपको लिए चलते हैं वैतरणा। विरार हमारी लोकल ट्रेन पहुंच चुकी है और ये देखिए सामने से एक विरार से चर्च गेट की ओर एक ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों ये एक तरह से ये एक छोटा सा हमारा वीडियो है विरार से वैतरणा के लिए और आपको विरार से लेकर के दहाड़ों तक बनने वाली तीसरी चौथी लाइन में जो विरार टू वैतरणा का हिस्सा है लगभग 7-8 किलोमीटर तक का, उसके विषय में आपको बताएंगे। देखिए दहाड़ों लोकल पकड़ने के लिए कितनी भीड़ है सुबह सुबह के समय है और बगल में प्लेटफार्म पे खड़ी है एक एसी लोकल, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। और देखिए 9:09 हो रहा है सुबह के और ट्रेन हमारी दहाड़ों लोकल चल पड़ी है और धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रही है। सुबह का समय है तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है, पीक आवर का समय है मुंबई की लोकल में। दहाड़ों की ओर की लोकलों में भी काफ़ी भीड़ हो ही जाता है लेकिन चर्च गेट की ओर जाने वाली लोकलों में काफ़ी भीड़ होता है। तो आइए आपको दृश्य दिखाते हैं विरार से वैतरणा तक का और बातें करते हैं आप। तो दोस्तों हमारी ट्रेन विरार स्टेशन से चल पड़ी है और अब आपको दिखाते हैं विरार और वैतरणा के बीच में जो विरार से दहाड़ों तक रेलवे लाइन बन रही है तीसरी चौथी रेलवे लाइन, तो विरार और वैतरणा के बीच में कितना उसका काम किस तरह से चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। और विरार से जब ट्रेन चलती है तो इसका काम देखिए किस तरफ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप देखते चलिए और फुल वीडियो देखिएगा। और वो सामने जो देख रहे हैं वो है माता जीवदानी मंदिर, यानी कि आपको बता दें कि जीवदानी, अगर किसी को जाना है जीवदानी मंदिर तो वो विरार स्टेशन पे उतरे, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है माता जीवदानी का मंदिर। तो दोस्तों आप में से अगर किसी को माता जीवदानी मंदिर का दर्शन करना हो, जाना हो, तो आप अगर मुंबई से या सूरत तरफ से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, विरार उतरिए, बोरीवली उतरिए, यहाँ से फिर विरार, अगर बोरीवली साइड जाते हैं, आपकी ट्रेन विरार नहीं उतरती है, रुकती है, तो आप विरार बोरीवली साइड उतरिए और वहाँ से ट्रेन पकड़िए, विरार आ जाइए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है पूर्व दिशा में माता जीवदानी का मंदिर जो कि पहाड़ी पर है। शेयर ऑटो चलता है, रिजर्व ऑटो जा सकते हैं और अगर आप पैदल जाना चाहें तो भी लगभग 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। तो कैसे भी आप जा सकते हैं, पहाड़ी पे है माता जी का मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे का दृश्य देखते हैं, हमारी ट्रेन इस समय काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। तो देखिए ये ब्रिज का भी काम काफ़ी हो ही गया है, मान के चलिए। इसका काम पूरा हो गया और ये है ओवर क्रॉसिंग। अब यहाँ से आप देखिए ये जो काम है, यहाँ पे पत्थरों को काट दिया गया है, जो पहाड़ी के पत्थर है उसे काट दिया गया है और इधर सिर्फ मिट्टी का ही काम रह गया है। मिट्टी का तो सारा काम हो गया है। पहाड़ी पूरी हरी भरी है और इस तरफ देखिए मौसम फिलहाल तो मुंबई का इस समय एकदम साफ है, बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं है।
ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा अगला स्टेशन वैतरणा आने वाला है, और देखिए जीवदानी मैया का मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरफ भी देखिए दोस्तों काफी काम, मिट्टी का काम लगभग पूरा ही हो गया है। और देखिए एक छोटा सा ब्रिज यहाँ बनाया जा रहा है। आपको लिए चलते हैं दूसरी ओर, इस तरफ ब्रिज का काम देखिए हो रहा है, और इस तरफ मिट्टी का भी काम हो गया। और सामने का जो रूप देख रहे हैं वो है WDF कॉरिडोर, और ये जाकर के आगे यहाँ मिलता है, इसके बाद का काम लेफ्ट साइड में शुरू होता है। तो दोस्तों आ गए हम दूसरी तरफ, और पहले राइट साइड में थे पूर्व दिशा में, अब पश्चिम दिशा में आ गए हैं। देखिए इस तरफ भी मिट्टी का काम काफ़ी पूरा हो गया है, और ये एक छोटा सा पुलिया शायद इस तरफ बनने वाली है, और आगे इस तरफ भी देखिए, यानी कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि विरार टू वैतरणा तक का काम काफ़ी कुछ पूरा हो गया है। और ब्रिज यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज का निर्माण किया जाना है, तो इसी में जो वक्त लगेगा। और आगे भी देखिए, चूँकि सुबह का समय है इसलिए कर्मचारी अभी आना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच गई वैतरणा रेलवे स्टेशन, और आपने देख लिया कि काफ़ी कुछ काम हो चुका है, और स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकने के बाद में आपको थोड़ा सा दृश्य स्टेशन का भी, इसके आसपास का दृश्य भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं ना, इस समय देखिए काम इस तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ है, और तो दोस्तों आपने देखा विरार से लेकर के वैतरणा तक जो काम है ना काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, आगे भी काम चल रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं उधर का भी थोड़ा सा दृश्य चल करके कि देखिए काम आगे काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, और जो आगे जो खाड़ी है उस पर भी ब्रिज का काम चल ही रहा है। फर्स्ट और सेकंड दो है, तो फर्स्ट में भी काम चल रहा है, सेकंड में भी काम चल रहा है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसके आगे विरार टू दहाड़ों तक का पूरा वीडियो मैं फिर किसी दूसरे दिन बनाऊँगा, और आज के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।